गाइस देखिए फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम चंबल, ये देख सकते हैं आप। अभी उतरे हैं हम और ये रावी नदी है। ये देखिए गाइस अब पैदल इस पुल से जाएंगे हम, ये वाला। ये देखिए गाइस पुल हिल रहा है ये, और नीचे का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ पुल के नीचे का। ये देखिए गाइस रास्ते का हाल देखिए, ये सारा ऊपर से नीचे आ गया है, बारिश हुई थी कल उसकी वजह से। गाइस ये देखिए रास्ते का हाल कीचड़ ही कीचड़ है बारिश की वजह से। और ये देखिए पानी, जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं पानी के, वो वाला है ये। सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा होता है ये पानी। अगर गाइस बस में आते हम तो वो जो सामने रोड दिख रहा है यहाँ से आते, बट बर्फ़ गिरने की वजह से रास्ता थोड़ा ख़राब है। और जो लोकल बसेस जाती हैं वो अभी टाइम था, और वैसे ही हमें 4 बज गए हैं अभी, तो कम से कम 5:30 ही पहुँचेंगे, और अभी तक बहुत ज़्यादा दूर है। ये देखिए गाइस यहाँ से चंबा शहर का व्यू, यहाँ से थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये, और जो बीच में है ये ब्लू जिसे जिसकी छत है, ये राजा का महल है पुराना, और ये पूरा शहर। एक और पानी का हमें नेचुरल सोर्स रास्ते में दिखा। तो गाइस अब पहुंचने ही वाले हैं, ये देखिए 5 मिनट लगेंगे, मुझे तो 10 ही लग जाएंगे। काफ़ी दिनों बाद इस तरह चढ़ाई वाला रास्ता से चली हूँ मैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ फंक्शन है वहीं, और ये वाला घर है जहाँ मंदिर बना हुआ है। तो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम घर, और अभी मैं पानी पी रही हूँ, ये देखिए। और ये मेरे जेठ जेठानी का बेटा है, और ये देखिए उनके घर से व्यू आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए ये वाला जो ऊपर वाली मंजिल है ये नहीं डाली है अभी, तो ये है किचन, और इसमें है बनाया हुआ हलवा प्रसाद। ये देखिए ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा आ रहा है ये। तो गाइस अभी मैं मिलवाऊंगी आपको अपनी फैमिली से। ये देखिए ये मेरे देवर हैं जिन्होंने ये ग्रीन कलर की जैकेट पहनी हुई है, ये इनका बेटा है, और उनसे तो आप मिल ही चुके हैं, उन दीदी जी हैं ननद मेरी, और ये जेठ का बेटा है जो अभी डॉक्टर बना है हाल ही में, और जो वहाँ खाना बना रहे हैं ये मेरी जेठानी की मम्मी जी हैं, और बाकी लोग अभी आएंगे, मैं उनसे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे मिलवाऊंगी आपको अपनी फैमिली से। तो गाइस यहाँ पे हम बैठ के थोड़ी बातें करने लगे थे, ये जो साथ में रेड दुपट्टा जिन्होंने लिया हुआ है ये भी मेरी ननद ही हैं बड़ी वाली, तो ये यहीं की हैं, चंबा में ही रहते हैं ये। तो हम काफ़ी सारी बातें जो हैं वो कर रहे थे, हंसी मजाक। काफ़ी दिनों बाद अगर आप अपनों से मिलते हो तो बहुत सारी जो बातें हैं वो याद आती हैं, और सफ़र का बिल्कुल पता नहीं चला। और ये देखिए यहाँ पे गद्दे रज़ाइयाँ वगैरह मंगवाए थे तो वही रख रहे थे हम लोग। तो ये देखिए हमारे घर के बच्चे
एक से तो मैंने आपको मिलवा दिया है जो डॉक्टर बना है, और जो दो बेड पे बैठे हुए हैं ये एक मेरे सबसे बड़े वाले जेठ हैं उनका बेटा है, और जैकेट वाला मेरी ननद का, और जो दूसरी तरफ बैठा हुआ ये भी मेरी ननद का ही बेटा है। और हमारी कुलदेवी के भी आप दर्शन कर लीजिए। और गाइस रात के बज चुके हैं 9, पूजा वगैरह भी हो गई थी, तो अब हम धाम खाने लगे थे। और ये देखिए गाइस रात का चंबा शहर का व्यू यहाँ से, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर। तो गाइस अब जगराता शुरू हो गया था, पूरी रात जागने वाले हैं। तो अब हम चाय बनाना शुरू हो गए थे रात को, जो लोग आए थे उनको। चिप्पो वाओ चिप्पो भूल गए जवाई जे। तो गाइस फिर से वापस बैठी हैं बस में, तो वापस जा रही हैं, और ये बेटा भी जा रहा है वापस, इसकी भी छुट्टी आज तक ही थी। तो गाइस आज वापस आते आते मैं रास्ते का बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही व्यू आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वही रास्ता है जहां से मैं कल आई थी, सेम वो मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखा दिया है। गाइस अभी मैं उठी हूँ सो के, रास्ते में आधे मैंने व्लॉग बनाया था, उसके बाद जो मैं सोई हूँ ना, और उसके बाद मेरी बहुत आप बोल सकते हैं बुरी हालत हुई है, एकदम से मन ख़राब हो गया और मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई, सिर्फ वापसी में आधे ही रास्ते तक शूट किया है, और उसके बाद मन ख़राब होने की वजह से बहुत मुश्किल हुई है मुझे। फिर जैसे ही मैं 3:30-4 बजे के करीब यहाँ पहुँची हूँ, उसके बाद सीधे मैं सो गई हूँ, और अभी उठी हूँ, अभी टाइम हुआ है 6:30। तो अभी डिनर वगैरह बनाती हूँ और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये चंबा वाला ट्रिप आपको अच्छा लगे,
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।